कोविड महामारी से निपटने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा भी पूरा सहयोग किया जा रहा है। इसी के चलते आज हमीरपुर में अनुराग ठाकुर के द्वारा भिजवाई गई ऑक्सीजन, रेगुलर दवाइयां, पीपीई किट व अन्य सामग्री को उपायुक्त हमीरपुर को सौंपा। इस अवसर पर प्रयास संस्था के पदाधिकारी, भाजपा महामंत्री अभय सिंह लवली, हरीश सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर के द्वारा इससे पहले भी जिला में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को दूर करने के लिए प्रशासन को 50 सिलेंडर भिजवाए थे। उपायुक्त हमीरपुर देव सतवानी ने बताया कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के सहयोग से प्रयास संस्था के माध्यम से कोविड से निपटने के लिए सामग्री भिजवाई। उन्होंने बताया कि अनुराग ठाकुर ने कोविड महामारी के दौरान टेस्टिंग वाहनों की उपलब्धता के अलावा पूरा सहयोग दिया जा रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन अनुराग ठाकुर का आभार जताता है। आज हमें कोविड की महामारी के बीच में कुछ आवश्यक जो है किट्स होती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट होता है, जो पीपीई किट्स वगैरह जो है ये हमें प्राप्त हुई हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को, और माननीय MOS फाइनेंस महोदय द्वारा जो है इस चीज़ को स्पेशल जो है इसकी रुचि लेके इसको जो है खुद उन्होंने प्रायोजित करवाया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास यहाँ पे प्रयास एक NGO है, जो पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक टेलीमेडिसिन सेंटर भी पिछले कुछ हफ्ते पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और माननीय MOS महोदय के उपस्थिति में जो है फ्लैग ऑफ भी किया गया था, जो कि प्रयास NGO ही जो है उसको चला रही है। और इससे पहले भी अलग अलग क्षेत्रों में, स्पेशली हेल्थ केयर के क्षेत्र में इन्होंने जो है अपना योगदान बहुत बढ़ चढ़ के दिया है। और अभी भी कई सारे ऐसे जगह हैं, जैसे टेस्टिंग के वाहन हैं या एम्बुलेंसेज के तौर पर भी जो है इस तरह की व्हीकल्स जो हैं इनके सौजन्य से चलाया जा रहा है। तो मैं इनके पूरे संस्था को धन्यवाद करना चाहूँगी कि अपना जो है योगदान इन्होंने दिया है और प्रशासन की हर तरफ से मदद करने की कोशिश की है। और माननीय वित्त राज्य मंत्री महोदय का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस समय पे जो है उनके तरफ से भी जो जो मार्गदर्शन और सहायता जो है हमें हर कदम पर मिल रही है, उसके लिए बहुत बहुत। वहीं प्रयास संस्था के पदाधिकारी ने भी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के सहयोग से प्रयास संस्था के द्वारा कोविड महामारी से निपटने के लिए सम्मान जिला प्रशासन को दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से प्रयास संस्था के स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की सेवाएं करती रही है और अब तक करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों को का उपचार भी कर चुकी है। कोविड के समय में संस्था के कार्यकर्ता कई प्रकार के कार्य कर लोगों को घर द्वार सुविधाएं पहुंचा रही है। सामान है ये अनुराग सिंह ठाकुर जी की तरफ से दिया जा रहा है, और इस सामान के अंदर 400 पीपी किट हैं, N95 मास्क हैं 300, 200 आपके पास फेस शील्ड है, उसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर हैं 50, ऑक्सीजन रेगुलेटर हैं जिनकी कमी काफ़ी समय से देखी जा रही थी प्रदेश में वो हैं 100, नॉन रिलायबल मास्क होते हैं NRM जिन्हें बोला जाता है वो हैं, और इस तरह का कई एसेंशियल सामान है जो इस वक्त कोविड के दौरान में पेशेंट को बहुत ज़रूरत रिक्वायर्ड हो रहा है। प्रयास संस्था सर पिछले 3 साल से सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा को ऑपरेट कर रही है। ये 17 विधानसभाओं में MP पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हम काम करते हैं, और हम लोग अब तक करीबन 5 लाख से ज़्यादा पेशेंट अब तक देख चुके हैं। कोविड के दौरान भी अगर हमारा काम देखा जाए तो हम लोगों ने इंटरस्टेट बॉर्डर पर, चाहे वो थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य हो, चाहे होम आइसोलेशन का कार्य हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर उसमें हमें दिया गया है, तो हम वो काम को कर रहे हैं, और हम लोग हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर में होम आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। अभय सिंह लवली ने बताया कि अनुराग ठाकुर के द्वारा जिला कांग्रेस के लोगों के लिए कोरोना महामारी से बचाव की सामग्री भेजी गई है, जिसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल में अनुराग ठाकुर के द्वारा कोविड से बचाव के लिए सहायता की जा रही है। उन्होंने बताया कि अनुराग ठाकुर के द्वारा 50,000 N95 मास्क, फेस शील्ड 10,000, ऑक्सीजन मास्क 6,000, ऑक्सीजन रेगुलर 1,500 के अलावा अन्य स्वास्थ्य सामग्री भिजवाई गई है। मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने हमीरपुर के लोगों को COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी में जो सहायता प्रदान की है वो काबिले तारीफ है। पूरी भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर उनका धन्यवाद करता है। आज अनुराग सिंह ठाकुर जी ने N95 मास्क 50,000, 3 लाई मास्क, फेस शील्ड 10,000, PPE किट 7,000, ऑक्सीजन मास्क 6,000,
एनआरएम 3200, ऑक्सीजन रेगुलेटर 1500, नेजल कैनूला 250 वो उन्होंने दिल्ली से हमीरपुर के लिए भेजे हैं। और ये जो सामान उन्होंने हमीरपुर के लिए भेजा है वो हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में उन्होंने एक समान रूप से भेजा है। पूरे हिमाचल को जब भी अनुराग जी की आवश्यकता होती है तो अनुराग जी हमेशा पूरे हिमाचल के लिए हर एक विपदा में खड़े रहते हैं। हम पूरे जिला हमीरपुर की तरफ से अनुराग जी का धन्यवाद करते हैं तथा इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जिला ऊना, जिला बिलासपुर और हमीरपुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। मैं पूरे हमीरपुर की तरफ से अनुराग सिंह ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।